ये है दारू, ये सिर्फ गम भुलाता है, बुरे आदमी को हटाता है और अच्छे आदमी को लाता है। शराबबंदी का उल्लंघन करते आप देखे होंगे पुलिसकर्मी युवाओं को और बुजुर्गों को, लेकिन अब महिलाएं शराब पार्टी करते हुए आपको नजर आएगी। इस वायरल वीडियो को भी हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। खगड़िया से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस वीडियो में सबसे पहले तीन लड़कियाँ शराब पार्टी करती है और कहती है शराब गम भुलाने के लिए होता है, और उसके बाद भोजपुरी गाने पर जमकर अश्लील भरा डांस की है। देखिए इस वायरल वीडियो को। ये है दारू, ये सिर्फ गम भुलाता है, बुरे आदमी को हटाता है और अच्छे आदमी को लाता है। खगड़िया में लड़कियों की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया। वीडियो में तीन लड़कियां घर में बैठकर शराब पी रही है, उनके साथ कुछ लड़के भी बैठे हैं। लड़कियों ने एक युवक के साथ ये पार्टी की। लड़कियों का कहना है कि युवक ने शराब पिलाई और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। वीडियो में एक लड़की कहती है कि एक पैक और बना दो प्लीज, मेरा शराब गिर गई। दूसरी कहती है कि शराब भी खूब है, गम मिटाती है, बुरे लोगों को दूर करती है, अच्छे लोगों को पास लाती है। शराब पार्टी के बाद लड़कियों ने भोजपुरी गाने पर जमकर डांस की। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ पीआर नहीं करती है। वीडियो रविवार 12 जून का बताया जा रहा है। लड़कियों ने चित्रगुप्त थाना क्षेत्र के पटेल चौक निवासी अमित कुमार के खिलाफ वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज भी कराई है। लड़की सुपौल की रहने वाली है। वह एक महीने से शिक्षक मुन्ना कुमार के घर के फर्स्ट फ्लोर पर किराए में रहती है। वह एक निजी कंपनी में जॉब भी करती है। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल वही है कि महिलाओं के कहने पर CM नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। कल ही CM नीतीश कुमार ये बयान दिए थे और न्यूज़ पीआर ने इस खबर को चलाया था, लेकिन शराब पार्टी करते हुए अब महिलाएं पकड़ी गई है। अब इस पे देखना होगा कि शराब कहां से आता है और पुलिस अंकुश किस तरीके से लगाती है।